कार्य प्रभु मन बुद्धि दे दिया, और क्या बचा है, और क्या देना बचा है। तब भी श्री कृष्ण ने अंत में कहा, प्रणिपात कर। प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब क्या, कि समस्त कामनाओं को पहले मन से बाहर निकाल, एक भी इच्छा तुम्हारे मन में नहीं रहनी चाहिए। तो समस्त कामनाओं को मन से निकालो, और उसके बाद फिर मन बुद्धि का समर्पण भगवान के चरणों में कर। एक भी कामना लेकर संतों के पास नहीं जाना, ये दे दो वो दे दो आशीर्वाद दे दो, बेटी की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं, ये प्रणिपात नहीं है। प्रणिपात का अर्थ है कि जब आप संत के पास जाएं तो एक भी इच्छा मन में नहीं रहनी चाहिए, केवल मन बुद्धि का समर्पण, इच्छाओं को फेंक करके बाहर, ये प्रणिपात है। ये पहला काम हमें करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, परिप्रश्नेन, यानी तुम जब संत के पास जाओगे तो जाकर के उससे जिज्ञासु भाव से प्रश्न कर। तर्क वितर्क नहीं करना, जरा देखे तो ये संत है कि नहीं, इनकी क्या राय है इस बारे में, ऐसा नहीं। प्रश्न करने का मतलब क्या, कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं संत से, तो हमारे मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि वो जो भी उत्तर देंगे वो शत प्रतिशत सही होगा, डाउट नहीं। ये प्रश्न करना कहलाता है। ऐसा नहीं कि हमारी तो इस प्रश्न को लेकर ये राय है, जरा गुरुजी से पूछे इनकी क्या राय है, ये प्रश्न नहीं, ये जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासु भाव से संत की शरण में जाकर भगवान का ज्ञान प्राप्त कर, हम कौन है, माया क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, ये सारा ज्ञान संत की शरण में जाकर कर, ये दूसरा काम करना है। और तीसरा काम सेवया, यानी संत की सेवा करो, तन मन धन से संत की सेवा करो। क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अभी तो मैं तुम्हें मिलूंगा नहीं, जब भगवान मिलेंगे गोलोक में तब भगवान की हम सेवा करेंगे, लेकिन जब तक हमें भगवान नहीं मिल जाते तो संत हमारे पास हैं, उनकी सेवा करो। और तन मन धन से करो, तो भगवान मान लेते हैं कि तुमने मेरी सेवा करनी, तन मन धन से सेवा करो तो भगवान मान लेते हैं कि तुमने मेरी सेवा कर ली। और देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो सेवा है ना, यही हम जीवात्माओं का ईश्वर के राज्य में सबसे अंतिम लक्ष्य है। हाँ, आनंद पाना ये ऊंचा लक्ष्य नहीं है, भगवान का सुख मिले, भगवान का प्रेम मिले, उससे भी ऊंचा लक्ष्य है कि हमें भगवान की सेवा मिले। हम भगवान को क्यों प्रेम, उनका प्रेम पाना चाहते हैं, ताकि उस प्रेम को पा करके हम उनकी अच्छे से सेवा कर पाए। हमारे पास प्रेम रहेगा तो उस प्रेम से भगवान की सेवा करें। दर्शन होना बड़ी बात नहीं है, दर्शन तो सब बहुत संतों को हो जाते हैं, तो दर्शन की अभिलाषा रखना नीचे की कक्षा है, उससे ऊंचा आता है कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए, और उससे ऊंचा आता है कि हमें उनकी सेवा चाहिए। ये है सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर के राज्य में, कि हमें भगवान की सेवा करनी है। लेकिन वो अभी नहीं मिलेगी, अभी हमारे बीच इस मनुष्य शरीर में, इस मृत्यु लोक में संत रहते हैं, इसलिए संतों की सेवा करो, ऐसा श्री कृष्ण श्रीमद् गीता में कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन काम गुरु के पास जाकर के करने होंगे, तब जाकर के अर्जुन तुम्हारा कल्याण होगा, यानी गुरु की शरण में जाओ, कहने का भाव ही बिना गुरु के नहीं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भी, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तपम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणुप समाश्रयम, भागवत में 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय आ रहा है, यानी ये भागवत में भी कहा गया है कि अगर कोई जीव भगवान को जानने का जिज्ञासु है, व्याकुल है भगवान को जानने के लिए, तो बस एक काम करो, किसी संत की शरण में जाओ, बस तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या, कि बिना गुरु के जीव भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकता। सही भी बात है, अगर देखा जाए सही भी बात है। क्यों, क्योंकि देखो संसार में भी,
संसार में भी हम जब पैदा हुए कुछ भी नहीं जानते थे ना, यहाँ तक कि क अक्षर का ज्ञान भी हमें नहीं था। इसको क कहते हैं, इसको ख कहते हैं, इसको ग, ये ए बी सी 1 2 3 हमें कुछ भी नहीं पता था। हमारे टीचर ने, हमारे पिता ने, हमारी माँ ने कितनी हमारे साथ मेहनत की है, देखो बेटा ये क है, देखो बेटा ये म है, देखो बेटा ये ल है, अब बोलो कमाला, हम बोलते थे कलमा, ऐसे नहीं बोलते, कितना मेहनत करते थे टीचर। यानी एक संसार का क अक्षर का ज्ञान, ए बी सी डी का ज्ञान भी हमें बिना गुरु के नहीं हुआ, बिना गुरु के नहीं हुआ। तो जब संसार की ये मामूली सी पढ़ाई भी बिना किसी गाइडेंस के नहीं हो पाती, तो ईश्वर का ज्ञान तो अथाह है, अनंत है, वो बिना गुरु के कैसे हो जाएगा, बिना गाइडेंस के हम भगवान को कैसे जान लेंगे, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। ठीक, लेकिन अब प्रश्न है कि वो गुरु कैसा होना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं, भारत में पैदा हुए बचपन से सुन रहे हैं कि गुरु का होना जरूरी है, लेकिन वो गुरु कैसा होना चाहिए, अब मेन प्रश्न ये है, बहुत ध्यान दीजिए। गुरु कैसा होना चाहिए, इसके लिए इसी श्लोक में जो ठाकुर जी ने गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्पदर्शिनः। इसी श्लोक में अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन गुरु से ही तेरा कल्याण होगा, लेकिन वो गुरु कैसा होना चाहिए ये भी सुन। ध्यान दीजिए, उस गुरु में ठाकुर जी कहते हैं दो बातों का होना बहुत जरूरी है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त कृते कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद में पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र, ये मंत्र भी कहता है कि वो गुरु कैसा होना चाहिए, उस गुरु में दो बातें होनी चाहिए। दो बातों का होना उस संत में बहुत जरूरी है, और वो कौन सी है, पहला वो गुरु श्रोत्रिय हो, दूसरा वो गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो। यानी श्रोत्रिय माने पहला उस संत को शास्त्रों का ज्ञान हो, और हमें भी शास्त्रों का सही ज्ञान करवा सकता हो, हमारी शंकाओं को दूर कर सकता हो, पहली बात है ये एक श्रोत्रिय यानी थ्रेटिकल मैन। और दूसरा वो गुरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए यानी प्रैक्टिकल मैन, यानी उसे भगवान मिल चुके हैं, उसे भगवत प्राप्ति हो चुकी हो, उसे भगवान के दर्शन हो चुके हो, भगवान का अनुभव हो चुका हो, जिसमें ये दो बातें होंगी उसी को गुरु बनाना चाहिए। यानी वो श्रोत्रिय हो, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, हमें भी हमारे अनाधिकार की शंकाओं को ज्ञान देकर दूर कर सकता हो, और दूसरा उसे भगवान मिल चुके हैं। ये दो बातें संत में होनी चाहिए, और ध्यान दीजिए इन दोनों में भी दूसरी बात होना ज्यादा जरूरी है। यानी प्रैक्टिकल मैन होना बहुत जरूरी है, भगवान उसे मिले होने चाहिए, भगवान के दर्शन उसे होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। भले वो संत को ज्ञान हो चाहे ना हो, शास्त्रों का वो चलेगा, लेकिन उसको भगवान मिले होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर स्वयं जिसको भगवान नहीं मिले, वो संत हमारा कभी कल्याण नहीं कर सकता, इसलिए गुरु का प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखेंगे। तो ये दो बातें संत में होनी चाहिए, एक वो गुरु श्रोत्रिय हो यानी समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, और दूसरा उसे भगवान मिल चुके हो। ठीक है, ये बात समझ गए, ध्यान दीजिए, ये बात समझ गए कि संत में ये दो बातें होनी चाहिए। लेकिन अब ये प्रश्न आता है कि किसको भगवान मिले हैं, ये हम कैसे जानेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। भाई इसको बहुत ज्ञान है, ये प्रवचन सुन के कथाएं सुन करके हम लोग जान लेते हैं कि हाँ इस बाबा को बहुत ज्ञान है, हाँ बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन इसको भगवान मिले हैं कि नहीं मिले हैं ये हम कैसे जानेंगे, ये हम कैसे जानेंगे।
आज जान लेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। अब मैं जरा सा संतों के बारे में ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ कि आप जो ये सोचते हो ना कि संत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और ठीक उल्टा आप लोग सुनेंगे कि संत कैसे होते हैं। अब मेन प्रश्न ये है कि किसको भगवान मिले ये हम कैसे जानेंगे? क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति तो अंतःकरण की चीज है, और संतों का स्वभाव है गोपनीयम 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 प्रयत्न का। सदा संत अपने आप को छिपा के रखते हैं कि दुनिया को ना पता चले कि मुझे भगवान मिल चुके। फिर हम संत को कैसे पहचानेंगे, किसको भगवान मिले हैं कि नहीं, तो आप लोग क्या कहेंगे? अजी पहचान लेंगे। कैसे पहचानोगे? अजी जा करके देखेंगे। क्या देखोगे? ये क्रोध तो नहीं करता, ये लोभ तो नहीं करता, ये काम के कार्य तो नहीं करता, ये कैसे कपड़े पहन रहा है, क्या बोल रहा है, ये देखेंगे। हाँ, संत के पास जाएंगे, अगर वो क्रोध कर रहा होगा तो बस समझ जाएंगे ये संत नहीं, गुस्सा करता है। अगर वो लोभ कर रहा है, लालच कर रहा है, ये कैसा संत है, लालची है, ये संत नहीं है। ये पैमाना है संत को मापने का, ये पैमाना है। यही पैमाना लेकर जो अनंत जन्मों से संतों के पास जा रहे हैं ना, इसीलिए आज तक किसी सही संत को नहीं पकड़ पाए। पाखंडियों के चंगुल में फंस जाते हैं, लेकिन सही संत से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पैमाना जो संतों को मापने का है वही गड़बड़ है। बाहर से देखते हैं, बोलते हैं महात्मा यानी महान आत्मा, और देखते क्या है बाहर से। ये क्रोध तो नहीं करता, ये लोभ तो नहीं करता, अगर करता है तो वो संत नहीं है। इसीलिए आज आप लोग ये बात कान खोलकर सुन लो और अच्छे से बुद्धि में बैठा। ये जो पैमाना लेकर हम संतों को मापने जाते हैं ना बाहर से, इसीलिए आज संसार में इतने पाखंडी पैदा हो रहे हैं। जैसे संसार में दो प्रकार के दुष्ट होते हैं ना, ऐसे संत भी दो प्रकार के होते हैं। दुष्ट माने माया के अधीन जो दुष्ट होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंदर गड़बड़, बाहर गड़बड़। अंदर गड़बड़, बाहर ठीक, ये दो प्रकार के दुष्ट हैं संसार में। अंदर गड़बड़, बाहर गड़बड़। एक तो ऐसे दुष्ट होते हैं, हम लोग शायद इसी कक्षा में आते हैं, डोंट माइंड, बुरा नहीं माने, हमारा अंदर भी गड़बड़ है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मोह माया सब भरा पड़ा है, और बाहर से भी अपने आप को छिपाते नहीं। अंदर गुस्सा आया तुरंत बाहर गाली दे दी, लड़ने बैठ गए, यानी अंदर भी गड़बड़ है बाहर भी गड़बड़ है। ऐसे दुष्टों को पहचानना बड़ा सरल है। किसी के घर घुस जाओ, वो गुस्सा करता दिखाई दे तो समझ जाएगा अंदर गड़बड़ बाहर गड़बड़। यानी अंदर गड़बड़, यानी अंदर भी माया के विकार हैं और बाहर से भी अपने आप को छिपाते नहीं। ऐसे दुष्टों को पहचानना सरल है, लेकिन जो जो दूसरे प्रकार के दुष्ट होते हैं, अंदर गड़बड़ और बाहर ठीक, ऐसी दुष्टों के चंगुल में फंसते हैं हम। यानी अंदर से वो काम क्रोध लोभ मोह से भरा पड़ा है उसका मन, और बाहर से संत जैसी वेशभूषा बना के बैठे हाँ? और ऐसी दुष्टों के चंगुल में हम फंसते हैं, और ऐसे दुष्टों को पाखंडियों को पैदा करने वाले भी आप ही लोग हो। क्यों? क्योंकि आप लोग तो बाहर से देखते हो, और वो जानते हैं कि भोले वाले जीवों को कोई भी आडंबर कर लो बाहर से, बस ये फंस जाएंगे वाले जंगल में। बड़े सारे तरीके आजकल बाबाओं के पास जंगल में फंसाने के आप लोगों को हाँ? जैसे मान लो कोई बाबा बैठा अपना ध्यान में, और आप बड़ी श्रद्धा के साथ जाए उस बाबा के पास। अब जा करके वो अपना ध्यान में बैठे हैं, बाबा आंखें खुली, सामने अग्नि कुंड जल रहा था, अग्नि जल रही थी, और बाबा ने आपको देखा, आपने प्रणाम किया बड़ी श्रद्धा के साथ, और बगल में 100 रुपए का नोट रख दिया। अब बाबा जी को आपके ऊपर इम्प्रेशन डालना है, क्या है बेटा? गुरु जी सेवा समझ के रख लीजिए, हमारी श्रद्धा है, आप कुछ रहे दूर दूर
हम पैसे को हाथ नहीं लगाते दूध। नहीं नहीं गुरुजी, सेवा समझ के रख लीजिए। और वो गुरुजी ने पैसा उठाया, उसके दो टुकड़े की अग्नि कुंड में स्वाहा। बस फिर तो देखो बाबा जी का इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ जाएगा, फिर तो घर घर प्रचार होगा, अरे बड़े पहुंचे हुए संत हैं, उनका पैसे में कोई लोभ नहीं है, हमने उनको 100 रुपए दिए उन्होंने फाड़ दिए, कोई पैसे में लोभ नहीं, ये संत है। ये ऐसे ही बाबा लोगों के जंगल में पड़ते, ये दुष्ट जो होते हैं ना, बाहर से कोई भी आडंबर कर देंगे, भभूति प्रकट कर देंगे, तांबे को सोने में बदल देंगे, ये सब सिद्धियां दिखा दिखा करके हमको भ्रमित करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के तो दुष्ट होते हैं ना, अंदर गड़बड़ बाहर ठीक, ऐसे दुष्टों को पहचानना बड़ा कठिन है। ऐसे ही अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही संत भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अंदर ठीक बाहर ठीक, और दूसरे अंदर ठीक बाहर गड़बड़। हाँ सुनते जाइए जरा, सब उल्टा पुल्टा सुनने वाले हो गए आप, अंदर ठीक बाहर ठीक। एक संत तो ऐसे रहते हैं, यानी अंदर से उनका मन निरंतर भगवान के प्रेम में लीन है, निरंतर उनका मन भगवान से अटैच्ड है अंदर से, और बाहर से भी सदा वो भगवान की समाधि में रहते। ऐसे संत होते हैं कई, जैसे जंगलों में चले जाते हैं, कोई हिमालय पे जाके साधना करता है, तो ऐसे संत जो होते हैं अंदर ठीक बाहर ठीक, ऐसे संत हमारी धरती पर बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसे संतों से हमारा कल्याण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसे संतों से हमारा कल्याण। जो अपना भगवान के प्रेम में लीन है, चले गए जंगल, जाकर हिमालय पे बैठ गए, उनको मतलब नहीं, इन जीवों को कैसे भगवान का सही ज्ञान मिले, इनको भी भगवान का प्रेम मिले जो हमें मिला है, उनको इससे मतलब नहीं रहता, वो अपना सदा समाधि में बैठे रहते। तो ऐसे संत हमारी धरती पर बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसे संतों से जीवों का कल्याण नहीं होता। लेकिन जो दूसरे प्रकार के संत हैं, अंदर ठीक बाहर गड़बड़, यानी अंदर से तो निरंतर वो भगवान के प्रेम में लीन है, उनका मन भगवान से जुड़ा है, लेकिन बाहर से माया के काम कर रहे, क्रोध के लोभ के काम के, और ऐसे कार्य करते हैं संत कि हम मनुष्य भी नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा। हाँ अंदर ठीक 90% हमारी धरती पर अवतार लेकर आते हैं, क्योंकि ऐसे ही संतों से हमारा कल्याण होता है, जो अपने प्रेम पर कंट्रोल करके हम बड़े बड़े चोरों को पकड़ना, बड़ी बड़ी गैंग को पकड़ना, चोरों की है ना, ये काम है CID का। तो कभी कभी आपने देखा होगा या सुना होगा, संसार की CID कभी कभी बड़े बड़े चोरों की गैंग को पकड़ने के लिए स्वयं चोर की वेशभूषा बना लेती, स्वयं चोर की भेष समझ जाए कि मैं भी चोर, तो उनका विश्वास जीतती है, और उनके अंदर की सारी बात को वो CID जानती है अंदर, और उन्हीं के जैसा व्यवहार करेगा, उन्हीं तक हंसेगा सोएगा खाएगा, बिल्कुल उनका विश्वास जीत लेगा, और फिर विश्वास जीत के उनके सारे अंदर की बात, मनुष्य शरीर लेकर आते हैं धरती पर, और बिल्कुल हमारे जैसा व्यवहार करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा सब वैसा करेंगे, ताकि हमारा उनके प्रति विश्वास जागृत हो, उनसे अटैचमेंट हो, उनसे प्रेम हो, और जब वो हमारे विश्वास को जीत लेते हैं, तब उसके बाद जैसे संसार की CID खुले चोरों को जेल में बंद करवाती है, ऐसी वो भगवान की CID संत हम जो अनाधिकाल से जेल में बंद है 84 लाख, और बाहर से गड़बड़ हो। तो ये संत वास्तविक संत की परिभाषा की अंदर ठीक बाहर गड़बड़। लेकिन अब एक प्रश्न है कि संत इतने गड़बड़ काम, जैसे आप हम मैंने बोला संत की परिभाषा की अंदर ठीक बाहर गड़बड़, लेकिन ये बात कुछ गलत नहीं है कि संत रहे जान तुम्हारे चरणों में।
वास्तविक परिभाषा है, लेकिन हम सदा से संतों को बाहर से देख रहे हैं, इसलिए आज तक संत को नहीं पकड़ पाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो संत अंदर से ठीक और बाहर से गड़बड़ होते हैं, तो ये संत सचमुच में गड़बड़ काम करते हैं या कुछ और कारण है, और ये गड़बड़ काम करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, और ऐसे में हम फिर संत को कैसे पहचाने, क्योंकि हम तो संत को बाहर से देखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार अष्टावक्र जनक जी की सभा में पहुंचे। अष्टावक्र बहुत ऊंचे संत, लेकिन उनका शरीर बाहर से आठ जगह से टेढ़ा था, आठ जगह से टेढ़े थे,
अब बेचारे वो कैसे खड़े होते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे तो बैठते होंगे, कोई कार्य कैसे करते होंगे, आठ जगह से टेढ़े थे। तो एक बार वो जनक जी की सभा में पहुंचे। अब जनक जी की सभा में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा, तो जैसे ही अष्टावक्र पहुंचे तो सब विद्वान हंसने लगते। देखो देखो कैसा तो शरीर है इसका, ये कैसा दिख रहा है, सब हंसने लगते। तो अष्टावक्र ने जनक से कहा कि क्यों रे जनक, हमने तो सुना था तुम्हारी सभा में बड़े बड़े विद्वान आते, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सब चमार बैठे हैं। अब जब ये कहा तो सब विद्वान राजा गुस्से में कि हमको चमार कह रहे, हम इतने बड़े बड़े राजा हैं, विद्वान हैं, हमको चमार कह रहे, सब बड़े गुस्से में आ गए। तो जनक जी तो जान गए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, फिर भी जनक जी ने कहा आप लोग गुस्सा ना कीजिए, आप इनसे पूछिए कि आपको चमार क्यों कह रहे हैं। तो अष्टावक्र ने कहा क्यों जनक, तेरे ये बड़े बड़े विद्वान इतना नहीं जानते कि मैं चमार क्यों कह रहा। अरे चमार कौन होता है, जिसको चमड़े की परख हो, चमड़ा देखकर पहचान जाए कि इसका चमड़ा है, ये उसका चमड़ा है, ये उसका चमड़ा है, यानी जो चमड़ा देखकर परख ले वो चमार है। ऐसे ही सब के सब यहाँ चमार बैठे क्योंकि मेरे बाहर के चमड़े को देख रहे, ये आठ जगह से टेढ़ा है, भीतर मेरे पास क्या पावर है इनको इसका ज्ञान नहीं, भीतर मेरे पास क्या शक्ति है इनको इसका ज्ञान नहीं, बाहर से देख रहे आठ जगह से टेढ़ा है इसलिए सब के सब चमार है। बस ठीक वही हाल हम लोगों का भी है शायद, डोंट माइंड, बुरा नहीं मानेंगे। हम लोग भी बाहर से देखते हैं कि संत कैसे कपड़े पहनता है, कैसे चलता है, क्रोध तो नहीं करता, लोभ तो नहीं करता, यही पैमाना ले ले करके हम आज तक किसी सही संत के पास नहीं जा सकते क्योंकि हमारा पैमाना गड़बड़ है, क्योंकि संत तो सदा बाहर से गड़बड़ काम करते हैं और अंदर से सही रहते, लेकिन कैसे और क्यों संत गड़बड़ काम करते हैं, क्या सचमुच में ये गड़बड़ काम करते हैं या कुछ और कारण है, जरा अच्छे से हमें समझना है। तो चलिए ध्यान देकर सुनिएगा। देखिए संत अंदर से ठीक और बाहर से गड़बड़ होते हैं, इसके लिए हमारे इतिहास में सैकड़ों उदाहरण है संतों के, जिनका जीवन चरित्र अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि संत कितने टेढ़े मेढ़े काम करते हैं। चलिए मैं उदाहरण से बता देती हूँ, एक तो उदाहरण बताऊंगी, ज्यादा नहीं, बस एक तो उदाहरण, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, ज्यादा नहीं बताऊंगी। और ऐसे संत के बारे में बता रही हूँ जैसे दो प्रकार के, आप सुन लीजिए, एक होते हैं साधन सिद्ध महापुरुष और एक होते हैं नित्य सिद्ध महापुरुष। तो मैं जो उदाहरण देने जा रही हूँ आप लोगों को वो नित्य सिद्ध महापुरुषों का दूंगी। साधन सिद्ध महापुरुष कौन होते हैं, जैसे हम लोग अभी हम साधना करेंगे, है ना, साधना करते करते जब हमें सिद्धि हो जाएगी यानी भगवान मिल जाएंगे तब उसके बाद हम संत बन जाएंगे, तब हम कौन से संत कहलाएंगे, साधन सिद्ध महापुरुष, यानी हम साधना करके भगवान को प्राप्त किए ऐसे संत हैं हम, यानी एक दिन माया के अधीन थे, साधना की, भगवान मिल गए, संत बन गए, ये कौन से होते हैं, साधन सिद्ध महापुरुष। और एक होते हैं नित्य सिद्ध महापुरुष, यानी जो सदा से माया से परे है, कभी माया के अधीन नहीं है, भगवान के परिकर है, सदा भगवान के साथ उनके लोक में रहते हैं, ये होते हैं नित्य सिद्ध महापुरुष, सदा भगवान के साथ रहने वाले। मैं उनका उदाहरण लेने आया हूं जो कभी माया के अधीन नहीं है, फिर भी उनके आचरण देखो सर, ऐसे आचरण कर रहे हैं कि आप सुन करके हैरान हो। चलिए मैं उदाहरण से बता रही हूँ, आप लोगों ने दुर्वासा मुनि का नाम सुना है, ठाकुर जी के गुरु हैं, श्री कृष्ण के गुरु। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारिका पहुंचे और पहुंच करके ये नारा लगा रहे, चिल्लाते फिर रहे, मुझे कोई गुरु बना लो, मुझे कोई गुरु बना लो, जो मुझे गुरु बनाएगा उसको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, जो नहीं मानेगा मैं उसको श्राप दे दूंगा। अब दुर्वासा मुनि तो वैसे भी श्राप में बड़े विख्यात हैं देने में, अब जब ये सुन रहे थे द्वारिकावासी, अब सब दूसरे प्रणाम करें, कौन इनको गुरु बनाए, एक बात नहीं मानेंगे, पता चले मनुष्य से गधा बना दे, तो कोई गुरु ना बनाए। अब ठाकुर जी अपना महल में थे, उन तक ये बात आवाज आई कि कोई आके चिल्ला रहे हैं द्वारिका में, गुरु बना दो, गुरु बना दो। तो अपने सेवक को भेजा कि पता लगाओ कौन है।
तो सेवक पता लगाकर आया तो कहा कि प्रभु कोई द्वारिक नादुभाषा मुनि है, वही ऐसा चिल्ला रहे हैं द्वारिका में, गुरु बना लो गुरु बना लो। तो जैसे ठाकुर जी ने नाम सुना तो तुरंत नंगे चरण दौड़े, तुरंत जाकर के दौड़े और तुरंत जाकर दुर्वासा मुनि के चरणों में पड़े कि मैं आपको गुरु बनाऊंगा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। दुर्वासा ने मुनि ने देखा ठाकुर जी को, कहा तू मेरा शिष्य बनेगा, शक्ल देखिए आया मेरा शिष्य बनेगा, चल जाए यहां से। तो ठाकुर जी का नहीं नहीं नहीं, आप जो कहोगे मैं आपकी सारी बात मानूंगा, मैं आपकी सारी आज्ञा पालन करूंगा, बस आप मुझे शिष्य बना लीजिए। तब दुर्वासा मुनि ने कहा चल ठीक, चल कहाँ चलना है मुझे लेके चल। अब ठाकुर जी दुर्वासा मुनि को अपने महल में ले आए, उनको एक कमरा दे दिया, तमाम सेवक उनकी सेवा में लगा दिए, और उनको रखने के बाद कमरे में छोड़ने के बाद अपना कमरे में आ गए रुक्मणी मैया के पास। अब इधर रुक्मणी मैया और ठाकुर जी अपना बैठ कर बातें कर रहे थे, इतने में दुर्वासा मुनि पहुंच गए, खड़े हो गए दोनों, आइए आइए गुरु जी आइए आइए बैठे, सिंहासन पर बिठाया। अब दोनों सामने खड़े हैं, अब दुर्वासा मुनि रुक्मणी मैया को घूर घूर के देख, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक दिखते जा रहे। अब बेचारी वो रुक्मणी मैया लज्जा के मारी बैठी जाए, कैसा करेक्टर लेस बाबा, घूरता ही जा रहा है घूरता ही जा रहा है, घूरते जा रहे हैं घूरते जा रहे। अब पूछा दुर्वासा मुनि ने कौन है कृष्ण ये, ठाकुर जी ने कहा प्रभु ही मेरी अर्धांगिनी है रुक्मणी। अच्छा जाओ इससे कहो मेरे लिए गर्मा गर्म खीर बना के लाए। अब मैया सोचने लगी कैसे बाबा है, बाबाओं को तो जो दो वो खा लेना चाहिए, इनकी तो डिमांड है हम गर्मा गर्म खीर खाएं। ठीक है हम रुक्मणी मैया का तो सिद्धि सिद्धि की है, जब उनकी नौकरानी आए बाहर गई सोचा खीर लेकर आ गई और ला करके दुर्वासा मुनि के सामने रख दी। तो दुर्वासा मुनि ने खीर के आधे हिस्से को लिया और श्री कृष्ण से कहा कि जाओ जा करके इसको अपने पूरे शरीर पर पोत लो, एक भी अंग नहीं छूटना चाहिए कि मेरी आज्ञा है। ठीक इधर तो ठाकुर जी को भेज दिया शरीर में खीर लगाने के लिए, और ठाकुर जी इधर आए पूरे शरीर पे सर से लेके पांव तक खीर लगाकर। अब दुर्वासा मुनि खुश, शाबाश तू मेरा आज्ञाकारी शिष्य है, तूने मेरी आज्ञा पालन की, लेकिन एक गड़बड़ तूने भी कर दी। ठाकुर जी ने कहा मैंने क्या गड़बड़ की, मैंने तो पूरे अंग पे शरीर खीर लगाई है। नहीं पैरों के तलवे को छोड़ दी, अब यही तेरे संसार से गोलोक जाने का कारण बनेगा। अब वो तो उनकी लीला है, तो जाने ठाकुर जी के साथ किया, इनको छोड़। अब इधर फिर रुक्मणी मैया को देखने लगे घूर घूर के। अब रुक्मणी मैया सोच रहे पता चले मुझे ही ना दे दे खीर लगाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो फिर क्या किया दुर्वासा मुनि ने कहा इधर आओ, पांच बुलाया मैया को और खीर निकाली और स्वयं अपने हाथों से रुक्मणी मैया के शरीर पर खीर लगा दी। एक संत होकर के एक स्त्री के शरीर के अंगों पर खीर लगा रहे हैं, और ये संत है। अगर आप आज किसी संत को ऐसा कार्य करते देख लो तो क्या आप उसको संत मानोगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। और इतना ही नहीं फिर कहते हैं दुर्वासा मुनि हम घूमने जाएंगे, रथ निकालो रथ निकालो, और कहा कि घोड़े हटाओ कृष्ण और रुक्मणी दोनों रथ चलाएंगे और हाथ में चाबुक लेंगे और मार रहे चलो घोड़े और तेज चलो चलो और तेज चलो। अब बेचारी वो कोमल सी स्त्री है रुक्मणी मैया उसको भी मार रहे चल और तेज चल धुड़ा घोड़े को धुड़ा ऐसे ले। अब बताइए अब अगर आज अगर आप किसी संत को ऐसे स्त्री को मारते हुए देख लो, उससे रथ काम करवाते हुए देख लो, तो आप उसको संत मानोगे नहीं। लेकिन ये संत है ठाकुर जी के गुरु हैं और ये क्या आचरण कर रहे हैं बताइए। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण अगर मैं करूँ ना तो पूरा नौ दिन का प्रवचन ऐसे ही खत्म हो जाएगा उदाहरण देते देते, जो इतने ऐसे गड़बड़ काम करते हैं। अब देखो पांचों पांडव संत, उनकी पत्नी द्रौपदी वो भी संत, ठाकुर जी दिन रात उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन उनका आचरण देखो। पांचों पांडवों ने एक पत्नी बनाई, क्या आचरण कर रहे हैं। अरे संसार में भी काले कलूटे लड़के को एक लड़की मिल जाती है और इतने सुंदर हैं राजा हैं और इनको पूरे संसार में एक स्त्री। अब
क्या हाल है, पहले एक महीना बड़े भाई की पत्नी बन के रहती है, फिर दूसरे महीने दूसरे भाई की पत्नी, पांचों भाइयों के बाद फिर पहले का नंबर। अरे संसार में तो बड़े भाई की पत्नी माँ के समान भाभी माँ होती है, पर ये क्या आचरण कर रहे हैं? और इतना ही नहीं, जुआ खेल रहे हैं, अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहे हैं। बता, ये तो आज हम जानते हैं कि वो संत हैं, दुर्भावना नहीं करते, लेकिन अगर आज कोई संत ऐसा आचरण करे, अगर कोई संत ऐसा आचरण करे, जुआ खेल रहा है, अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहा है, तो क्या आप उसको संत मानेंगे? नहीं। लेकिन ये क्या आचरण कर रहे हैं? सब बढ़कर काम कर रहे हैं। इधर सती भैया का हाल देखो, वो तो शंकर जी की अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है, लेकिन उनका क्या हाल है? और राम को देख करके मोहित हो गए, उनको मोह हो गया कि ये भगवान है। और क्या किया उन्होंने आप जानते हैं ना कथा? जब शंकर जी ने कहा सती मैया से कि चलो हम लोग आप अपने प्रभु के दर्शन करके आते हैं, क्या उस समय रामावतार का समय था, तो उस समय सीता मैया को हार के ले गया था रावण, तो राम जी सीता मैया को खोज कर रहे थे, और क्या दशा थी उसकी उस समय? हे कब मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पेड़ों से पहाड़ों से कंदराओं से नदियों से पूछ रहे हैं कि बताओ पेड़, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? ऐसी अवस्था हो गई प्रभु राम की, बताओ अपनी पत्नी के वियोग में है कोई ऐसा संसार में कोई पति जो इतना प्यार करता हो? लैला मजनू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भगवान ने। हाँ बताइए कि पेड़ों से पूछ रहे हैं, अरे किसी की पत्नी खोएगी तो वो पुलिस में कंप्लेंट करवाएगा या ऐसा करेगा, या ऐसा तो नहीं कि पेड़ों से पूछेगा पहाड़ों से पूछेगा बताओ बताओ मेरी पत्नी कहाँ है? अब वो क्यों करते हैं वो आगे आप सुनिएगा, लेकिन मैं उदाहरण बता रही हूँ। इसी अवस्था ये लीला चल रही थी, उसी समय शंकर जी और पार्वती मैया आ गई। अब शंकर जी ने देखा कि अरे प्रभु राम तो इस समय लीला में व्यस्त हैं, अभी इनको विघ्न डालना ठीक नहीं, दूर से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कहा और चले गए कैलाश। लेकिन जब पार्वती मैया ने सती मैया ने देखा, उनका दिमाग लगता है बुद्धि, ये भगवान है, ये कैसे भगवान है? अरे भगवान तो उसे कहते हैं जो सब जगह हो, ब्रह्म जो व्यापक विरज, जो सब जगह हो। इनको देखो, ये तो यहाँ पर है वहां पर नहीं है, ये कैसे भगवान है? क्या लॉजिक लगा रही है पार्वती मन, फिर सोचती है अरे भगवान तो जिसका कभी जन्म ना हो उसे कहते हैं, लेकिन इनका तो जन्म हुआ है, कौशल्या में ही आए। यानी ऐसे ऐसे लॉजिक लगाकर सोच रही है पार्वती मैया कि कैसे भगवान है। फिर सोचती है नहीं, शंकर जी ने इनको प्रणाम किया है इसका मतलब ये भगवान है। फिर सोचते नहीं, मेरी बुद्धि भी तो कुछ कह रही है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अब सोचते सोचते अंत में पार्वती मैया ने सोचा, छोड़ो शंकर जी भले ही कह रहे होंगे, लेकिन मैं जो सोच रही हूँ वही ठीक है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो परीक्षा लेनी चाहिए। टेस्ट लिया पार्वती मैया ने, तो क्या किया सती मैया ने? टेस्ट लिया तो क्या किया? सीता मैया का भेष धारण कर लिया, और भेष धारण करके बिल्कुल जहां राम बस ढूंढते ढूंढते पहुंचने ही वाले थे, वहां एकदम शोक मुद्रा में बैठ गए, जैसे वो भी बड़ी दुखी है। और जैसे ही राम पहुंचे, सीता मैया की खोज करते करते, और जैसे ही देखा पार्वती मैया को सती सीता मैया को रूप धारण किए हुए, तो तुरंत सब अपना एक्टिंग वैक्टिंग लीला विला छोड़ करके बोलते हैं प्रणाम मैया। अब जब ये बोला तो पार्वती मैया का तो काटो तो खून, आई थी परीक्षा लेने और खुद की परीक्षा हो गई। अब बेचारे को जैसे राम भगवान ने पूछा कि मैया प्रणाम, हमारे पिता शंकर जी कहाँ है? अब जब ये पूछा तो बेचारी पार्वती मैया करती रहते झुका और सीधा झुकाए झुकाए कैलाश पर्वत पे गई, सिर नहीं उठा। और उसके बाद शंकर जी तो जान गए कि ये परीक्षा लेकर आई है, लेकिन फिर भी पूछा सती मैया से, क्यों हो गई परीक्षा? तो सोच सुनिए जरा, जो पार्वती मैया सती मैया जानती हैं कि अंतर्यामी है, भगवान है, साक्षात जगदीश्वर है, परमेश्वर है, उनसे जुड़ जुड़ गई।
कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीने हो प्रणाम तुम्हारी नाई। नहीं नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपके जैसे प्रणाम करके आ गई बस। झूठ बोल गई शंकर जी से, अभी क्या आचरण कर रहे हैं हम? अगर झूठ बोले तो लोगों को भगवान हमारे को पाप लगा देते हैं, और भगवान खुद झूठ बोल रहे हैं भगवान से। बताइए अब आप क्या सोच रहे हैं कि संत के क्या आचरण है? वो सब कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, काम के कार्य करते हैं, क्या नहीं करते संत? हमसे ज्यादा करते हैं गड़बड़ता है। ये तो मैंने दो तीन उदाहरण बता दिए बस, अब सुनिए ध्यान से। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है संतों के कि संत कितना धरती पर आकर गड़बड़ काम करते हैं। पाखंडियों की बात नहीं कर रही संसार में जो आज हो रहा है कलयुग में, उनकी बात नहीं कर रही, वास्तविक संतों की बात कर रही। इसे ध्यान देकर के सुनिएगा, विषय बहुत गंभीर आने वाला है, समय बहुत कम है और बहुत इंपॉर्टेंट विषय आ रहा है। तो संत वहां से गड़बड़ काम करते हैं, अब प्रश्न ये आता है क्या सचमुच में संत गड़बड़ काम करते हैं और क्यों करते हैं, और ऐसे में हम संत को कैसे पहचानें? अब ये सबसे प्रमुख प्रश्न है कि संत इस धरती पर आकर गड़बड़ काम क्यों करता है, ऐसा आचरण क्यों करता है कि हम उनकी नकल करें या उनके आचरण का नकल करें तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे हम संत को देखकर हमारा दिमाग खराब होता रहता है, और ऐसे अगर संत गड़बड़ काम करेंगे तो हमारा हमको सदा दिमाग खराब रहेगा उनके प्रति। ऐसे में हम संत को कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे अगर संत इतने गड़बड़ काम करेंगे धरती पर आकर? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि संत गड़बड़ काम क्यों करता है, कैसे करता है, और हम संत को फिर पहचाने कैसे। ये तीन प्रश्नों का समाधान मुझे अभी करना है, इससे जल्दी से जल्दी बहुत गंभीर विषय में बताने जा रहा हूँ। देखिए संत ये गड़बड़ काम क्यों करते हैं, क्या सचमुच में इन पर कोई माया हावी हो जाती इसलिए करते हैं, कोई और कारण है? चलिए पहले इसको समझते हैं, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं ये गड़बड़ काम। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी, पूर्ण मनोयोग के साथ श्रवण कीजिएगा, पूर्ण सचेत होकर के। मैंने आपको दो दिन पहले दो बार आपको एक चीज समझाई है, क्या इंद्रियों से परे मन, याद है कि नहीं? मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे जीवात्मा, जीवात्मा से परे माया, माया से परे भगवान। ये क्रम मैंने आपको पहले भी बताया और दो बार प्रवचन में बताया, याद है? अब नहीं होगा तो फिर सुनिए। भगवान के अधीन माया, माया के अधीन जीवात्मा, जीवात्मा के अधीन बुद्धि, बुद्धि के अधीन मन, मन के अधीन इंद्रियां, और इंद्रियों के अधीन ये सारा संसार। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। शरीर से ये आँख कान हाथ पैर सब बेकार है, कोई काम के नहीं, तो आत्मा की शक्ति को पा करके ये शरीर इंद्रियां काम कर रही है ना, तो ये तो जड़ है, इनको बाहर फेंको। अब बचे कौन थी? अब ध्यान दीजिए, ये जीवात्मा, ये माया और ये भगवान, मेरी और देखिए सब लोग, बीच में माया का पर्दा है। अब ध्यान देना, शास्त्र कहते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया श्रोत पीत, ऐसे बैठे, ये कौन है? जीवात्मा। ये कौन है? भगवान। तो ये दो पक्षी अनादिकाल से भगवान कहते हैं हमारे मन में बैठे हैं, ये जीवात्मा है और ये करे बैठे, भगवान देख रहा है निरंतर उस जीव को। देखिए जीव विमुख है भगवान से, पीठ किए हुए है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ऐ जीव, तू किसी भी प्रकार लेफ्ट अबाउट या राइट, बहुत बुद्धि लगाकर सुनिए, भगवान कहते हैं कि ऐ जी तू किसी भी प्रकार मेरे सन्मुख हो। तो फिर अभी तक माया थी भगवान और हमारे बीच में, लेकिन भगवान की बात मानकर हम भगवान के सन्मुख हुए, उनकी शरण में गए, तो भगवान ने कृपा करके माया हटा दी। अब जब माया हटी तो क्या हुआ? भगवान सीधा उस जीवात्मा के ऊपर आ गए,
सीधा डायरेक्ट गवर्नर, प्रेरक, संचालक और भगवान बन गए। अभी तक माया हमारी संचालक है, माया हमें नचा रही है तीन गुण में, लेकिन जब भगवान आ जाते हैं जीवात्मा के ऊपर तो भगवान की लाइट अब सीधा जीवात्मा पर पड़ती है। अब ध्यान दो, आप डायरेक्ट मेरी ओर देखिएगा, बात नहीं करें, मैं समय पर छोड़ूंगी, लेकिन ध्यान दो, समय बहुत कम है, ध्यान दीजिए। अब ये जीवात्मा के ऊपर भगवान है, अब सीधा डायरेक्ट भगवान की लाइट प्रकाश जीवात्मा पर पड़ रहा है। तो भगवान कौन है? दिव्य है, अलौकिक है, डिवाइन है। इसे जब भगवान की लाइट जीवात्मा पर पड़ती है तो जीवात्मा भी दिव्य हो जाती है, अलौकिक हो जाती है। जीवात्मा की लाइट बुद्धि पर पड़ती है तो बुद्धि भी दिव्य होती है, बुद्धि की लाइट मन पर पड़ती है तो मन भी दिव्य होता है, मन की लाइट इंद्रियों पर पड़ती है तो इंद्रियां भी दिव्य होती हैं, और इंद्रियों की लाइट सारे संसार पर पड़ती है तो सारा संसार उस जीवात्मा के लिए क्या होता है? सियराममय सब जग जानी ईशावास्यमि तत्त्वं सर्वम् पुरुष एवे तत्त्वं सर्वम्। फिर उस जीवात्मा को कण कण में भगवान दिखाई देने लगते, यानी अब भगवान की लाइट पड़ रही है, अब भगवान दिखाई देने लगते। अब तक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हमको? क्योंकि अभी माया की लाइट है। माया हटेगी तो भगवान की जिस दिन लाइट पड़ेगी, फिर कण कण में खुली आंखों से सब जगह आप राधा कृष्ण को देखो, सब भगवान को देखो, हर भगवान को देखने के आप अधिकारी बन जाओगे। लेकिन ये भगवान की शरण में जाने से होता है। ठीक है, इतना समझ गए? अगर संचालक, प्रेरक, कर्ता स्वयं भगवान बन जाए, वो संत है, वो महापुरुष है, वो महात्मा है। यानी अब वो संत कुछ नहीं करता। मैंने शरणागति का क्या मतलब बताया? कुछ ना करना, बार भगवान की शरण में चले जाओ। ऐसे ही संत अब कुछ नहीं करता, वो तो भगवान की शरण में है। वो जो कुछ करता दिखाई देता है संसार में आकर, उसके माध्यम से सब भगवान करते हैं सब कुछ। यानी जिसके एक एक क्षण का संचालक स्वयं भगवान बन जाए, वही संत है। जैसे संसार में आपने सुना होगा या कभी देखा हो, किसी के ऊपर जब कोई आत्मा या भूत हावी होता है, कोई चुड़ैल हावी हो जाए, कि जिसके ऊपर हावी हो जाए, तो आप उसके हाव भाव देखो, फिर वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसके अधीन है। वो जो कुछ करता दिखाई दे रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर जो आत्मा हावी है, चुड़ैल, वो कर रही होती है सब कुछ। ऐसा देखा है ना आपने या सुना होगा? वो जीवात्मा कुछ नहीं करती, उसके ऊपर जो भूत हावी हो जाता है ना, सब कुछ वही कर रहा होता है। अब वो भूत चला गया, फिर नॉर्मल हो गया वो इंसान। होता है संसार में ऐसा ना? ऐसे ही जिस जीवात्मा के ऊपर, जिस संत के ऊपर वो नंदपूत भूत हावी हो जाते हैं ना भगवान, फिर वो कुछ नहीं करते संत, वो सब भगवान करते हैं। संत तो चुपचाप बस भगवान की गोद में बैठे रहते, उनके प्रेम में सोए रहते हैं, आनंद में। वो जो कुछ करते दिखाई देते हैं सब उनके माध्यम से भगवान करते हैं सब कुछ। इसलिए कभी भी संतों को कोई दोष मत, संत ऐसा क्यों करते हैं, संत ऐसा क्यों करते हैं, संत कभी कुछ नहीं करते। वो जो कुछ करते दिखाई देते हैं वो सब उनके माध्यम से भगवान करते हैं। अगर आपको मुकदमा दायर करना है ना, तो भगवान पर करो, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, आपने गड़बड़ काम क्यों करवाया संसार में। संतों को दोष नहीं देना। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में और आकर के कार आपको टक्कर मार दे, तो आप क्या कार पर मुकदमा दायर करेंगे? क्या कार से लड़ाई करेंगे? क्यों रही कार, मुझे दिखाई नहीं देता, चढ़िया रही मेरे ऊपर? नहीं, आप कार से तो लड़ाई नहीं करेंगे, आप कार के ड्राइवर से लड़ाई करेंगे। क्यों रे, ड्राइवर दिखाई नहीं देता क्या? कार का क्या दोष है भाई? ड्राइवर के हाथ में उसका संचालन, तो ड्राइवर जहां घुमा दे गाड़ी को वहीं जाएगी। ऐसी संतों के संचालक भगवान होते हैं।
वो जितने गड़बड़ काम करते आप शुद्ध भाषा को नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या जितने भी आप संत इतिहास में देखें वो सब भगवान करते हैं उनके माध्यम से। इसलिए कभी भी संतों पर उंगली नहीं उठाना कि संत ऐसा क्यों करते हैं, संत ऐसा क्यों करते हैं। संत कभी कुछ नहीं करते, उनके माध्यम से वो जो कुछ करते दिखाई देते हैं उनके माध्यम से सब कुछ भगवान ही कर रहे होते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं।